नमस्कार सत्य पाठ को स्वागत है। जो जनादेश 24 रे प्रारंभिक ट्रेंड कौन कहूची ए बाबद रे हमर जो विश्लेषण रहिची ए प्रथम कथा हला ए पर्यंत जो ट्रेंड आसी ये भारतीय जनता पार्टी को गोटे प्रकार सरकार गठन कला भली ये इंगित करूची आउ बिजू जनता दल रा जबरदस्त विपर्य आड़ को जाउची बोले दर्शउची। तथापि ये प्रारंभिक ट्रेंड निर्वाचन गणती आगु को आहुरी अछि टोटल 18 राउंड गणती परे जना पड़िबो किंतु एबे थारु जहां ट्रेंड आसुची बा जहां ये संकेत दउची ये वोट गणती बा रिजल्ट जहां आसुची ये गणती रा जहां संकेत ताहा उची कि भारतीय जनता पार्टी को आशा थारु अधिक जबले लागुची कि लोक माने तांकु तांकर मतदान करचंती बा विश्वास प्रकट करचंती आ बिजू जनता दल प्रति 2000 मसिया पर थारु ए पर्यंत नवीन बाबूंकर नेतृत्वाधीन बिजू जनता दल को प्रारंभिक ट्रेंड अनुसार केबे भी ए भलिया झटका लागि नथिला काउंटिंग रे बा मतदान र गणती रे। ये दर्शउची कि आमे केवल जहां किछि बहुत लोक सेंटर रु बा वोट गणती केंद्र रु रिपोर्ट को नहीं कि कहउचंदे एथरे भूल भटका थाई पारे तणु आमे सत्य पाठ रे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निर्वाचन कमिशन कर जहां बुलेटिन रही से बुलेटिन को आधार करके आम देखु जदि विधानसभा को देखिबे 74 दरकार सरकार गठन करने भारतीय जनता पार्टी लीड कर 50 रे आ बिजू जनता दल बा बीजेडी एबे लीड कर 30 रे कांग्रेस 6 आउ सीपीआईएम 1 आउ इंडिपेंडेंट 1 एकमात्र स्वाधीन प्रार्थी भाव रे जे लीड करचंती सी होचंती घसी परु सौम्य रंजन पटनायक ये कि घसीपुरार बिजू जनता दल जी प्रार्थी अच्छा बद्री नारायण पात्र आगे अच्छा बणाई रु एकमात्र वामपंथी बा सीपीएम रो नेता बा प्रार्थी बणाई रु जे लीड कर नरसिंहम बणाई रु लीड कर लक्ष्मण मुंडा सीपीआईएम रो प्रार्थी ये लीड कर बणाई रु आ 50 जदि आप पूरा एंटायर ओडिशा रो नक्शा को देखिबे बा ओडिशा रो मैप को जदि इलेक्ट्रल मैप को जदि पकाइ देबे एबे बहु माने भारतीय जनता पार्टी पाई अत्यंत खुशी कथा जे पूरा मैप एबे एकदम गेरुआ रंग होई जे 50 लीड करची आ अनेक जगह रे जो जगह रे कि बिजु जनता दल रो गड़ थिला आ जो माने एकदम पकड़ करी के रहितरे बिजु जनता दल को आरंभ रु भंजनगर रे अपन जे देखिबे विक्रम आरुख जे कि लगातार जितुतले आ विक्रम आरुख कर जितिबा ट्रेंड आ तांकर वोट पाइबा ट्रेंड सबोले जबरदस्त थिला। एथर भंजनगर सी पछौचंती छेंडीपदार जे अगस्ती बेहरा सी आगौचंती भारतीय जनता पार्टी रु आप जो जगह हाथ मारे दसपल्ला रु बीजेपी प्रार्थी राघव मल्लिक आगौचंती आउ कांग्रेस खाली कही दिए कि कांग्रेस एपर्यंत तार गत थर जो बेंचमार्क थिला 9 को टपिबा पई एबे भी संघर्ष करछि तेणु कांग्रेस जो थिला 9 रु 90 ये केवल गोटे स्लोगान थिला किंतु तांकर एपरी जो देखियो जो 6टा जगार आगोउचंती ये होचनी मालकानगिरी रु आपण मालकानगिरी हला आपणकर बासदेवपुर हला आंदपुर हला जयदेव जना आंदपुर अछंती रमेश जना सानखेमुंडी रमेश जना सानखेमुंडी हला मालकानगिरी हला आपणकर बासदेवपुर हला आंदपुर हला आउ कहा जाउची कि भोगराय रे मध्य लीड करचंदी बोली आउ ता आउ गुणपुर यस गुणपुर आपणकर सत्यजित गमांग गुणपुर मोहनारू दासरथी गमांग कांग्रेस रु एई माने कांग्रेस रु लीड करचंदी। बाकी आपण जे देखिबे प्रथमे जे भली लागथला कि एबे पालहडा रे बिजू जनता दल प्रार्थी जे लीड करूछने मुकेश कुमार पाल ये ला विधानसभा रा मोटा मोटी भाव रे ये उची ट्रेन ता कोनो थले कि भारतीय जनता पार्टी ये देखंतु जदी आपण पूरा जदी ओडिसा रा ए जो इलेक्शन नक्शा को जदी आपण देखिबे ये नक्शा देखंतु प्राय मेजॉरिटी 50 जे हिसाब के मेजॉरिटी वर्तमान देखिबे जे साफ्रोन कलर बा गेरुआ कलर बीजेपी रो अनेक जगह आरंभ हैने आरंभ हला परे ट्रेंड आसीबो जो नारंगी लागिछि से होची बिजू जनता दल रंग जो नील रंग देखा जाउची ये नील रंग होची कांग्रेस अर्थात
एपर्त कांग्रेस छे स्वाधीन समीर रंजन पट्टनायक घसीपुरा रे आउ बणाई रे जी अच्छा आपणकर सीपीआईएम एक छाड़ला परे प्राय सब जगार देखु विजु जनता दल एवं बहु पच रही कथा उठी कि विजु जनता दल पक्ष जहा जहा कहला एवं से पाखु आसबु एवं टे आखि पकईवा लोकसभा जे ओडिशार लोकसभा बा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी रो कौन रही ची, हाल कौन रही ची, बा से जगार परिस्थिति कौन रही ची, किए केते जीती किए केते लीड करूछन देखिवा पई ओडिशार जदि आपण देखिबे कॉन्स्टिट्यूएंसी 21 रु 70 रे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अर्थात एग्जिट पोल जहा कहूला ये लगभग ओडिशार लोकसभा को नहीं कि भारतीय जनता पार्टी रो परफॉर्मेंस बा प्रदर्शन ये लगभग समान अच्छी बा एग्जिट पोल प्राय सत अच्छी कहले चले एग्जिट पोल जहाँ फीडबैक ये एग्जिट पोल फीडबैक पाखापाखी एमाने वास्तवता आड़ुले पाखापाखी ठीक थिला विजु जनता दल मात्र दुई अच्छी कांग्रेस दुई अच्छी कांग्रेस को कहा जाउची कि कोरापुट आ नवरंगपुर नवरंगपुर को कांग्रेस रे केबे भी काउंट को निया जाय नथला एपर कि कोनसी आपण देखिबे एग्जिट पोल नवरंगपुर को काउंट को नै नथले किंतु नवरंगपुर लीड करछ आमे आउथरे एक कहू केवल प्रारंभिक सूचना एक रु चार राउंड पर्यंत काउंट जहाँ जहाँ आसी टोटल 18 राउंड काउंटिंग हम सो 18 राउंड पर जना पड़ो कि 18 राउंड पर नुह पाखापाखि हाफ वे हाफ मार्क जाए जना पड़ो कि किए के आगुआ अच्छे किए के मेकअप कर पार पुरी ने संबित पात्र आगुआ अच्छा अरुण पट्टनायक सब बेले भाग्य देवी ओडिशा रे ये विमुख रही सो कांग्रेस रे अरुण पट्टनायक सॉरी भुवनेश्वर अरुण पट्टनायक गत थर हारी एथर रिहाबिलिटेट कर पुरी रे भी समान अवस्था प्रारंभिक सूचना अनुसार संबलपुर जो जो सीट गुड एकदम पूरा सब बेले फोकस निर्वाचन आरंभ रु जो गुड़िक फोकस संबलपुर धर्मेन्द्र प्रधान आगुआ अच्छा बबिदास जी की जाते सीधा साल जाजपुर जा लड़ुले विजु जनता दल जो हिसाब से कैलकुलेशन कर से समय प्रश्न करजु जनता दल रण अच्छी ए निष्पत्ति पचर विजडम कौन अच्छी फैक्ट फिगर कौन अच्छी कहीं बबिदास को से जगह को नि बबिदास गोटे क्राउड पुलर बबिदास गोटे मास लीडर नुहति बबिदास पैन ओडिशा से ना कर्मी भितर अच्छी संगठन अच्छी किंतु पैन ओडिशा संगठन जो कथा कह जा से भाई किसी ना इज नॉट ए मास लीडर ये जाजपुर से आउ से जगार लड़ीबा ये बड़ा चैलेंज नहीं थे अवश्य आगो को आरी बहुत राउंड है इज टू अर्ली टू कम टू ए कंक्लूजन कि संबलपुर बोध हुए बबिदास पूरा आउट ही कंपटीशन बिल्कुल नुह बबिदास आहरी अच्छी किंतु प्रारंभिक ट्रेंड कौन बबिदास पचर अच्छे अनेक कन्स्टिट्युएंस ट्रेंड पूरा मेंटेन कराए पूरा ट्रेंड आउ बदले ना एवं देखते ये हूँ लोकसभा जो इलेक्ट्रल मैप ये भोटिंग पैटर्न मैप ये मैप कहते देखते पूरा एंटायर ओडिशा को देखिए पूरा भगवा रंग गेरुआ रंग एंटायर सफ्रोनाइज लोकसभा 17 जगार अच्छी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दुई बीजेडी दुई एवं भी लगू ना कि पूरा ये ट्रेंड पूरा मेंटेन हम लास्ट पर्यंत ये ट्रेंड प्रारंभिक ट्रेंड पोस्टाल बैलेट रही आउ ईवीएम बैलेट आरंभ होती जो दुई तीन टी कथा नहीं कि साधारण प्रश्न आसुची जे अनेक जगार जो कथा को भारतीय जनता पार्टी पक्षर कहला आजु जनता दल जहाँ को खंडन करूला अर्थात नेरेटिव को नहीं जो कथा भारतीय जनता पार्टी पक्षर जो जो नेरेटिव उठा जाता बोध हुए भारतीय जनता पार्टी वॉज क्लोज टू पब्लिक सेंटिमेंट भारतीय जनता पार्टी वॉज क्लोज टू पब्लिक मूड भारतीय जनता पार्टी वॉज क्लोज टू व्हाट इज हैपनिंग अमंग द पब्लिक अर्थात लोकंकर मूड लोकंकर आशा अपेक्षा लोकंकर कौन असुविधा रही ताकु बोध हुए भारतीय जनता पार्टी वॉज स्मार्ट एनफ टू पिकअप दोज थिंग्स आउर एंटायर नेरेटिव को चेंज कर देते आप देखिए जे तर शपथ पत्र जहाँ था भारतीय जनता पार्टी फर्स्ट और सेकंड पोल बल को रखीदेला एंटायर जहाँ पब्लिक मूड था जहाँ नेरेटिव था रास्ता घाटे भारतीय जनता पार्टी तो पिकअप कले भारतीय जनता पार्टी जी एकदम टॉप परफॉर्मर जी एकदम जी स्टार एकदम टॉप स्टार प्रचारक थे नरेंद्र मोदी जी ये सीधा सड़क से ही लेवल को धरदे आकरे पार्टी नेरेटिव भितर कन्फ्यूजन न रो ये गोटे धार मेंटेन करने को आरंभ कले हूँ जे
बिजु जनता दल विफलता बिजु जनता दल उत्तराधिकारी चयन नवीन बाबू विफलता आजु जनता दल जो जो सेक्टर को हाइलाइट कर काउंटर पॉइंट्स काउंटर आर्गुमेंट्स भारतीय जनता पार्टी ठीक ठाक रखला बीट बीएसकेवाई बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना हो बीट आपणकर रूपांतरण को जो कथा कह जाऊ जगन्नाथ मंदिर पुरी श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प से हाइलाइट कर हाइलाइट करें कहले कि आम सब जगह को टंका देचु अर्थात यदि एंटायरली आप देखिए बिजु जनता दल वाज ए क्लीयर फ्लप जदि इट्स टू अर्ली टू से आम रिजल्ट आड़ी कहूना कि ट्रेंड को देखिए आम कहू जे बिजु जनता दल तार मेसेज तार नेरेटिव तार जहाँ संदेश अच्छी ये लोकों पाख को पहुंचे बार विफल होती कुड नॉट कनेक्ट विथ पीपल जो गोटे जगार लगुला कि बिजु जनता दल एरोगेंस इज एक्चुअली प्लेइंग दिस एरोगेंस नैरेटिव्स भितरे एरोगेंस आसुथला बा तांकर भितरे लोकों पाखरे पहुंचबा बळे कथाबार्ता रे प्रचार रे प्रचार रो स्टार प्रचारक को नै कि नेता को नै अनेक केसरे एकदम मिसमैच रहिला दे वांटेड टू स्टार्ट ए न्यू थ्योरी आई थिंक बिजु जनता दल से नुआ हाइपोथेसिस बा नुआ थ्योरी टा को जो चेष्टा कले कि एक्सपेरिमेंट कले दैट एक्चुअली फेल्ड दे वर फार फ्रॉम द ग्राउंड रियलिटीज सो एकु नै कि अनेक समय बहु कथा आलोचना किंतु ए बाबद प्रश्न उठी गणमाध्यम एक आलोचना किंतु बिजु जनता दल जो रास्ता अपनेला दैट 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 से रास्ता को बोध हुए लोक माने धरले नहीं धरी पाले ना ये आलोचन जवा पूर्व भारतीय जनता पार्टी कौन रही प्रतिक्रिया शुणी दूचु ये जो प्रारंभिक ट्रेंड को लेकिन कौन रही प्रतिक्रिया आसे नजर पकेबा भारतीय जनता पार्टी ऑफिस भीतर कार्यालय भीतर एकदम जबरदस्त एग्जिट पोल निश्चिंत भावे एग्जैक्ट पोल हबो एथर केन्द्र यशस्वी विश्व गुरु विश्व नेता नरेंद्र मोदी ऑडियो टेक्निकल प्रॉब्लम थिला तनो आमे पुनी थर ताकु सुनेबो किंतु ये चित्र कहुची जे भारतीय जनता पार्टी रे एबे थारु सेलिब्रेशन बा उत्सव मनेबा आरंभ कर देले बट इट्स टू अर्ली अनेक समय कहा जाए कि इलेक्शन रा रिजल्ट लास्ट पर्यंत आउ क्रिकेट मैच रा लास्ट बॉल पर्यंत ये लास्ट बैलट लास्ट बॉल ये दीटा बी बहुत डेंजरस डेमोक्रेसी रे आउ इलेक्शन आउ क्रिकेट मैच रे तो बहुत जगह एक कथा आई छी लास्ट बैलट पूर्व जो माने नाची चंदी हटात तांका नाचो बंद होई छी एनीवे किंतु ट्रेंड जहां कहूची भारतीय जनता पार्टी पाई ये 2009 पर जो संघर्ष रही तक पार्टी बंधा है ये तो लगुच बिजु जनता दल रहा कौन सी रियाक्शन आसी पारे आउ थे आम शुणा कौन रही भारतीय जनता पार्टी ऑडियो प्रॉब्लम रोची आम ए बाबद आसबू आउ थे आम सहित भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता मुखपात्र अनिल विश्वाल आम सहित जोग देखते जे कि आप देखिए अनिल विश्वाल बहु बड़ बड़ प्रसंगे बहु बड़ बड़ मुद्दा को लेकिन बहु बड़ बड़ घोटाला को लेकिन अनिल विश्वाल जे कि तथ्य सह कागज पत्र सह नमस्कार अनिल विश्वाल आप स्वागत करुच्ची सत्यपाठ आम विश्लेषण को अनलाइक अदर टेलीविजन चैनल मेन स्ट्रीम चैनल भाया आम अनलाइन ग्राफिक्स एकदम पॉइंट टू पॉइंट देख पार्न बट आम प्रयास हूँ कि ट्रेंड कौन कहूँ लोकंकर मतदान कौन कहूँ लोकंकर मूड कौन थी विश्लेषण करवा बिकज दैट इज अल्सो भेरी भेरी इम्पोर्टाट कि लोकंकर कथा को लोकंकर कौन कहवाक चाहते प्रथम अनिल बाबू प्रारंभिक ट्रेंड अनुसार जे आपण जो संघर्ष संग्राम रही भारतीय जनता पार्टी 2009 तेणु आपण तो लगुच प्रारंभिक ट्रेंड गोटे पार्टी तो बनता है तेणु नाच गाना गीत टे उत्सव माहौल बट नाउ कमिंग टू to a serious point let's come to the point apan laguchi ki bhartiya janata party was smart enough to pick up the public mood guarantee to thik achi sapat patra to thik achi but loko kon chaunchanti lokanka bhitare kon raichi lokanka bhitare acrosh kon raichi bhartiya janata party was smart enough to pick up that and accordingly bhartiya janata party tar entire moderated its campaign jota ki prarambhik trend ra asi is unexpected मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू किंतु आपण माने बारंबार कहि आस्तुले कि नाना अमर पूरा पक्का होउची अनिल बाबू कहंतु ट्रेंड को नै
ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନଟା ମୋ ପାଇଁ ଦିଟା କାରଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୋଟିଏ ତ ହେଲା ଯେ ଭାରତବର୍ଷର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ନିର୍ବାଚନର ଆଜି ହେଉଛି ମତାମତ ବା ଫଳାଫଳ ଦିନ। ଆଜି ଭାରତବର୍ଷର ଡେମୋକ୍ରାଟିର ମାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, 699 ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିଜ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍। 699ଟା ଦଳ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ଓ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଫଳାଫଳ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ମୋର ଖୁସି ହେବାର ବା ସୌଭାଗ୍ୟ ହେବାର କାରଣ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକତା ଜଗତର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ବାର୍ଷା କହିଲେ ଚଳିବ ସତ୍ୟନାୟକ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିପାରୁଛି। ତେଣୁ ଏବଂ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ପବ୍ଲିକର ମୁଡ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ଅତୀତରେ ଦାନା ଧରିଥିଲା ଏବଂ ସେଗୁଡିକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରହୁଥିଲା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାକୁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ଏବଂ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିଯିବ, ଆକୁ ସରକାର କିଛି ଶୁଣିବେ ହିଁ ନାହିଁ, ହାଇକୋର୍ଟର ଅର୍ଡରକୁ ବି ସରକାର ପଛରେ ପକେଇ ଦେବେ, ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କେୟାର କରିବେ ନାହିଁ, ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଖାତିର କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ୟାର ତ ରିଆକ୍ସନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସରକାର ବିରୋଧରେ ଯିବ ହିଁ ଯିବ। ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ ବିଗତ ଏଇ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଉଠେଇଥିଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ 25 ବର୍ଷର ଲମ୍ବା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସରକାର ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ୱାଟର ରିସୋର୍ସେସ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି 30 ଲକ୍ଷ ଲୋକ କାହିଁକି ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଦାଦନ ଖଟିବେ? ଆପଣ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର 1 କୋଟି ପରିବାର କରିବେ ତାହେଲେ 30 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ମାନେ 1/3 ପପୁଲେସନ ଆଜି ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟ ଲେବର ହେବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ 62% ମହିଳା ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର ହେବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦିବାସୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ 48% ଆଦିବାସୀ ହଉଛନ୍ତି ନିରକ୍ଷର। ଆପଣ ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ବର୍ନ ୟୁନିଟ ନାହିଁ ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲ, ପୁରୀ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ ସିଟି କହିଲେ ଠିକ ହବ, କାରଣ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକ ପୁରୀକୁ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କୋଉଠି ଅଟକିଛି? ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇଥିଲୁ, ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ କାହା ହାତରେ ଯିବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ନବୀନ ନିବାସ ଯୋଉଠି ତାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଯୋଉଠି ସେ ରହନ୍ତି ସେଠୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହଉଛି ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର, 4.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଥରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଅଫିସ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭେଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଭେଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପୋଲିସ ଡିଜି ଭେଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ନୋମିନି ସେମାନେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ କ୍ଷମତାଟାକୁ କଲେକ୍ଟର ଆଉ ବିଡିଓ ମାଡି ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା। ବିଧାୟକ ମାନେ, ସାଂସଦ ମାନେ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ଚେୟାର ଟେବୁଲ ପକେଇବାରେ ଲୋକମାନେ ବିଜୟ କଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାମିଲନାଡୁରେ ଯିଏ ରଙ୍ଗ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ସିଏ ଆଜି ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାରେ 1 କ୍ଲାସ ଠିକାଦାର। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ଆଜି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସାମଗ୍ରିକ ବିଷୟକୁ ଆମେ ନିର୍ବାଚନରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ତତ୍ସହିତ ଆମେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ କଣ କରିବୁ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ତ 2019 ନିର୍ବାଚନ, 2014, 2024 ଆମେ 24 ନିର୍ବାଚନରେ ପୁରା ନିର୍ବାଚନୀ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋକୁ ଆମେ ପୁରା ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ କନଫିଡେନ୍ସ କହିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ସରକାରକୁ ଆସୁଛୁ। ଆଉ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆମେ 31 ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 31 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ଏ ତମାମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ, ପ୍ରଥମ ତ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏଟା ଜନମତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହଉଛି, ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଲୋକମାନଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ବଢିଛି। ଅନିଲ ବାବୁ, ଏ ପୁରା ଘଟଣା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଡୁ ୟୁ ଏଗ୍ରି ୱିଥ୍ ଦାଟ କି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ, ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନିଂ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସରେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନେରେଟିଭ୍ସରେ, ଆଉ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂରେ ଯୋଉ ଏରୋଗାନ୍ସ ଆଉ ଟେକନ୍ ଫର ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍, ଏଇ ଦୁଇଟା କଥାକୁ ମୁଁ ଆସୁଛି ଇନ୍ ଡିଟେଲ ଟିକେ, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପରଖିକି ଦେଖିବେ ଯେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଭିତରେ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଟେକନ୍ ଫର ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍, ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଥିଓରିଟେ ପୁରେଇବୁ, ଆମକୁ ଡେମୋକ୍ରେସି ପଲିଟିକ୍ସ ୟାଦରେ ଯୋଉ ବେସିକ୍ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ବେସିକ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଛି, ଆମେ ତା ଭିତରୁ ପଶିବୁ ନାହିଁ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଯେ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ରୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବିଟ୍ କଂଗ୍ରେସ, ବିଟ୍ ବିଜେପି, ବିଟ୍ ବିଜେପି, ବଟ୍ ଏ ପଲିଟିସିଆନ ଯେଉଁମାନେ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରୋସେସ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ସାଇଡ୍ଲାଇନ୍ କରିବୁ। ୱାନ୍, ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କର ଏନାଦର ଥିଓରି ହଉଛି ଯେ ଓନ୍ଲି 2 ଜଣ ଲୋକ ଯିବେ, ଆଉ ସେ ପେଣ୍ଡାଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମଞ୍ଚ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଡାଏସ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗାଡି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନବୀନ ନିବାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସବୁ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ କେହି ରହିବନି, ଓନ୍ଲି 2 ପର୍ସନ୍ସ। ସୋ ସେଇ ଯୋଉ ଏରୋଗାନ୍ସ ଯେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହା କହିବୁ ଲୋକ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଏକ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏମାନେ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ ନାରେଟିଭ୍ସ ରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ଲାନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲେ ତା ଭିତରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା ଯେ ଆମେ ଦେଇଛୁ 30 କୋଟି ଦେଇଛୁ, ଯୋଉ ଜାଗାକୁ କହିଲେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ 30 କୋଟି ଦେଇଛୁ, ଆପଣ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଦେଇଛୁ, ନବୀନ ବାବୁ ଏତିକି ପଇସା ପଠେଇଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋ ଏଣ୍ଟାୟାର ନାରେଟିଭ୍ସ ଏତିକି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ
बीजेडी एही कथाटा बुझी पारला नाही जे वास्तव रे 25 बा 24 वर्ष भितरे जो जो क्षेत्र को नै लोकंकर दुख रहिछि बेरोजगार को समान धरिले नाही। बीएसकेवाई कहिले डाक्टर नहाती आपण जो कथा कहले कि पुरी एउटे बन यूनिट ना एंटायर 4.5 crore 4.8 crore ओडियांग भितरे ओनली तीनटी आपण देखंतु बन आईसीयू रहिछि कैपिटल हॉस्पिटल रे जो बन वार्ड अछि ओ कैन ओनली हैंडल 30% टू 40% बन नॉट बियॉन्ड दैट। सो यही कथा गुड़ी को लोको जंक का भीतर जहाँ आक्रोश थिला बिजु जनता दल फेल टू अंडरस्टैंड दैट पिक अप दैट एंड भारतीय जनता पार्टी वाज स्मार्ट एनफ टू पिक अप दैट इंक्लूडिंग अपन देखंतु स्टार अपन कर कैंपेनर नरेंद्र मोदी जी जो जो कथा उठे अनेक कथा में कहा जाय छी जे प्राइम मिनिस्टर के कथा काई उठो छथि बट ही वाज स्मार्ट एनफ टू पिक अप द वॉइसेस ऑफ द पीपल ऑफ ओडिसा। अनिल बाबू बिल्कुल ठीक कथा अपन कहउछन जे डेमोक्रेटिक सिस्टम रे केही लोक मानक जदि टेकन फॉर ग्रांटेड नै जाय तो तार दशा बा तार पराभव निश्चय भाव रे भोगिबा पड़िबो। मते लागुछि बिजू जनता दल सेही समान भूल करिछि। अपन देखंथु पूरा एंटायर डेमोक्रेटिक सिस्टम्स बा पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव मानक पूरा निकम्मा कर दिया गला सेमानकर क्षमता को किछि 4-5 जन ब्यूरोक्रेट मारि बसले सेमाने पूरा भाबिले जे आमे ही होउछु ए गणतंत्र रे मालिक किंतु जेतेबेले आउ एकतरे नवीन बाबूंकर मध्ये भूल अछि बहुत भावरे कारण मुख्यमंत्री ही निजे से सिस्टम रो जो नुआ व्यवस्थाटा ओडिसा आरंभ कले किछि ब्यूरोक्रेट्स माने मिसिकरी नवीन बाबू होछन तार निजे मास्टर माइंड एवं आज बिजु जनता दल सही ट्रैक रे फसी छि एवं जो सारे जेतेबेले प्रचार थिला माने विकास रो कथा कहुथले सेतेबेले सेमाने विकास रो कथा कहुथले किंतु आपण देखिए बिजु जनता दल शेष दिन रेतबे खबर कागज जो विज्ञापन छपिला एक्जाक्टली से जगह को आसले जो कथा 2009 मसीह कहते प्रथम अवस्था बिजु जनता दल विकास आम एमती कलु सेमती कलु विकास चित्र देखते किंतु से विकास नारेटिव स्टिक कर पारे ना एवं निर्वाचन शेष जो विज्ञापन थी आसिक से ही कथा कहले जो कथा भारतीय जनता पार्टी कहला से अस्मितार कथा कह आरंभ कले कितु जो ओडिया अस्मितार इतिम्य बिजु जनता दल जो महाभूल सब कर से गुड़ा से असफल है लोक बुझे द्वितीय कथा से कथा कहले जो कोईला रॉयल्टी कथा कहले केन्द्रीय अवहेला कथा कहले स्पेशल स्टेटस कथा कहले से निर्वाचन शेष दिन से कहले माने बिजु जनता दल तार जो निजे जो नारेटिव कर लंबा 3-4 वर्ष विकास नारेटिव से विकास नारेटिव कम्प्लीटली फेल हो गला। बिजु जनता दल रो मैंने मुंडियाल अच्छा जो मैंने निष्पत्ति नौकर जो मैंने मुख्य अच्छा से कन्विन्स है आम विकास भोट पड़ो सेमाने अल्टीमेटली डेई पड़ले से आमर जो नैरेटिव आम भारतीय जनता पार्टी फिक्स करथलो ओडिया अस्मिता एक द्वितीय हला केन्द्र अवहेला एवं केन्द्र अवहेला जेतेबेले बिजु जनता दल कहुची आम पाखे अनेक उदाहरण पिनाकी मिश्र जी लीडर अफ दि हाउस लोकसभा सी खोला खोली भाव में कहते केन्द्र सरकार आमको बहुत किसी इतिमदे नवीन बाबू अनेक थर आसी रिएक्शन बिजु जनता दल रे केन्द्र सरकार आमको बहुत पैसा देखो से नैरेटिव कौटना कौटी लोक मान छुईला नहीं तो सब इंपोर्टेंट है एक नंबर फैक्टर जब कह जो क्या कहते हैं लोक मान टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं जावाटा बिजु जनता दल को आज क्षति देखिए से खाली बिजु जनता दल भूल आमे किंतु बहुत कथा को पॉलिटिकली आम जो कथा को चाहूलु सक्सेसफुली जो प्रसंग निर्वाचन लड़ा जा भावुलु आम से प्रसंग परिश्रम करसंग भोटिंग आ गोटे भारी गुरुत्वपूर्ण कथा आपण देखिबे जे मते रीअश्योर्स मी जे अनेक समय रे जत्ते निर्वाचन या भीतर हलाडी मोर सांबादिक करियर भीतर 2000 परठु बा 2000 मसियाटु जत्ते निर्वाचन हेछि सांबादिकता भीतर मुताबित रहिछि बत कवर करजे ताकु देखिता पूर्व कथा कहू नाही किंतु एतिक भीतर आपण देखिबे जे अनेक समय रे गोटे कथा आसे प्रश्न आसे क ओडिसा रो वोटर वास्तव रे किछु बुझु नाहंती ओडिसा रो वोटर मुंड पुरौ नाहंती आ अनेक समय रे मते लागे कि नवीन बाबू स्मार्ट एनफ आप मानतु न मानतु सी 2002-03 मसीहारु से समय मु रिपोर्टिंग करथले आई थिंक 2003-03 बेले जे नवीन बाबूंकर निजर कैडर होउची से समय जो कहला जे जेहेतु कांग्रेस ला सतबेले कांग्रेस से कांग्रेस हटे के आसीथले कहा जाउतला कि दलित आदिवासी कांग्रेस से तो रही चंती एई भली जहां आसीथला सो मु सतबेले कहितिन कि महिला कैडर उठे से आस्ता आस्ता निजे तयारी करचंती मिशन शक्ति को एम्पावर करचंती नवीन बाबू एसएससी को आस्ता आस्ता स्प्रेड करचंती बट सतबेले एटा बहुत ही चुपचाप आ एते हाइप करा जाउ नथला आरंभ होइतला परवर्ती समय तक जोर हाइप कले किंतु जो कथा को कहा जाउतला डर लागुतला अनेक कहुतले कि महिला बा मिशन शक्ति महिला एसएससी 70 लाख यदि आपण वोटर हिसाब रे देखिबे से ह्यूज चंक यदि से माने पोलराइज करिबे
ତାହେଲେ ଆଉ କୌଣସି ପାର୍ଟି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ାଇ ପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏତେ ସବୁ ପରେ ଯେ ମହିଳା ଭୋଟର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଲାନି, ଦାଟ୍ସ ବିକଜ କି ଏଣ୍ଟାୟାର ନାରେଟିଭ୍ସ ଆଉ ତାଙ୍କର କାମ ଏ ଭୋଟର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହିସାବରେ ଏସଏସଜିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ରିଏଲ ଯୋଉ ସୁବିଧା ରିଏଲ ଫାଇଦା ରିଏଲ ବେନିଫିଟ ମହିଳାମାନେ ତାକୁ ରିଏଲାଇଜ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ କଥା କି ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ଯୋଉ କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମହିଳା ଏସଏସସି ମାନଙ୍କୁ ପେନସନ ଦେବୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦାଟ ସୋଜ୍ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଯେ କେତେ ହାଉ ଡେସପରେଟ ଇଜ ବିଜେଡି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏମାନଙ୍କୁ ପୋଲାରାଇଜ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ୱାର୍କ ୱେଲ୍। ମହିଳା ଏସଏସସି ବା ମହିଳା ମିଶନ ଶକ୍ତି ଅମିଲ ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କୁହାଯାଏ ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭୋଟରେ ନବୀନ ବାବୁ ଜିତନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଏବଂ ଆପଣ ଗୋଟେ ବର୍ଗ ତିଆରି କରିବେ ନିଜର ଭୋଟ ଲାଭ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ରମାଗତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ ଠକି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ଯେ ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉ କୋଉ ବର୍ଗକୁ ଯଦି ଠକିବେ ସେଇ ବର୍ଗ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଆକ୍ସନ ଦବ, ଯୋଉଟା ଘଟିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ଲାଗେ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଏସଏଚଜିକୁ ର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ଯେଉଁଟା ଆମର କମ୍ୟୁନିଟି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ହଉ, ରିଭଲଭିଙ୍ଗ ଫଣ୍ଡ ହଉ, ଏସବୁ ହଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପଇସା, ଏବଂ ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଯୋଉଟା ଏସଏଚଜି ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସବମିସନ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, କୋଉଟା କୋଉଠି ଆମେ ଏସଏଚଜି ମାନଙ୍କୁ ବୋଧେ ବୁଝେଇ ପାରୁନାହୁଁ ଯେ ଏସବୁ ହଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏସଏଚଜି ମାନଙ୍କୁ ନବୀନ ବାବୁ ବାରମ୍ବାର ଠକିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭୋଟିଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏସଏଚଜି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡା ସିଏ ଭରସା କରିକି ଥିଲା ତାହା ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ଭୋଟିଂ ହେଇଛି। ଏବଂ ତା ନହେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଯୁବକ କିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ବିକ୍ରି ହଉଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବେକାରୀ ହାର ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ, ୟୁଥ ପାଇଁ ଏ ସରକାର ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ଚମକ ନାହିଁ ଯୋଉଟାକୁ ଦେଖେଇକିରି ସେମାନେ ଭୋଟ ପୁଲ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟ୍ରାଇବାଲ ସିଟ୍ ଅଛି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଆସନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସେ ଭୋଟିଂ ନାହିଁ। କେବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ଭରସା ଥିଲା 2019 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, ଆମେ ବି ଚିନ୍ତିତ ହଉଥିଲୁ ଯେ ମହିଳା ଭୋଟିଂ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଜିତୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଲାଗୁଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୋଉ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କଟି ତିଆରି କରିଥିଲା ବାସ୍ତବରେ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରିପାରିନାହିଁ, କେବଳ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା, ସେଇ ମଡେଲ ବା ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ତାକୁ କହିପାରିବା ସେଟା ଫେଲ ହଉଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ ତାକୁ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସାଧନ ମିଳିଯାଇପାରିବ, ଆଉ ସେ ସାଧନକୁ ନେଇକି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କରିଦିଆଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ନିୟତ ଠିକ ନ ରହିଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିୟତ ନାହିଁ ବା ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଯଦି ବେଇମାନୀ ଅଛି ତା ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଇଏ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ ଅନିଲ ବାବୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ସବୁ ବୁଥରେ ଆମର ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଏଠୁ ସେଠୁ ଶୁଣିକି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ECI କୁ ଫଲୋ କରୁଛୁ। ECI ଅନୁସାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 60 ଆପଣ ପୁରା ଯେ ଦେଖିବେ BJP 64, BJD 44, ଏସେମ୍ବ୍ଲି କଥା କହୁଛୁ, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ 12, CPIM 1, JMM 1, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ 2। ସୋ ୟୁ ଆର୍ ଜଷ୍ଟ ସର୍ଟ ଅଫ୍, ମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯଦି ଆମ ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଦେଖିବେ ଜଷ୍ଟ ସର୍ଟ ଅଫ୍ 10 ମାର୍କ। ଏନିୱେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର କଥା 65 ଥିଲା 64 ଅଛି, 18 ରାଉଣ୍ଡ ଯିବ ଆଉ ତାର ଚଢ଼ାଉ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ମ୍ୟାପ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ସେ ମ୍ୟାପ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ କର୍ମୀ ଜଣେ ନେତା ହିସାବର ଏ ରଙ୍ଗ ଦେଖିକି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ଏଣ୍ଟାୟାର ରଙ୍ଗର ମେଜରିଟି ପୁରା ସାଫରନ୍ ବା ଗେରୁଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ କମ୍ ଜାଗାରେ ନାରଙ୍ଗୀ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରଙ୍ଗ, ତେଣୁ 44-47 ର ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସୋ ଦିସ୍ ସୋଜ୍ ଅନିଲ ବାବୁ ପୁଣି ଡିସ୍କସନକୁ ଆସୁଛି ଯେ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଯେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶିଖଣ୍ଡ କଥା ଯେ ଗୋଟେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି କରିବା, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇମାନଦାରୀ ନାହିଁ କାମରେ ବା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଯୋଉ କଥାଟା କହିକି ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଯଦି ଇମାନଦାରୀ ନାହିଁ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବନି ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ଅନିଲ ବାବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଷୟରେ ବିତର୍କ କରୁଛେ ପୁରା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫିଗର ବିତର୍କ କରିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର କଣ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ପଚାରୁ, ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା ହଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ନହେଲେ କହିଦିଏ ଯେ BJP ଆମେ କରିଛୁ,
ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗରିବର ଘରଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତିନି ତିନିଟି ଯୋଜନା ଫେଲ ମାରିଲା, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର, ବିଜୁ ମୋ କୁଡିଆ, ଏବେ କରିଥିଲେ ମୋ ଘର, ତିନିଟି ଯାକ ଯୋଜନା ଫେଲ, ଘର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ନବୀନ ବାବୁ ତିନିଟା ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଗଲେ ଚାଉଳ ମୁଁ ଚାଉଳ ଦଉଛି କହିକିରି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲୋକ ବୁଝିଲେଣି ଯେ ଚାଉଳରେ ନବୀନ ବାବୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡକ ଯୋଜନାରେ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହୁଏ, ଓଡ଼ିଶାରେ ନ୍ୟାସନାଲ ହେଲ୍ଥ ମିଶନର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପଇସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ଯୋଉ ଯେତିକି କାମ କରିବା କଥା ଯୋଉଟା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କରାଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆପଣ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବେ ସେ ଦିଗରେ ପୁରା ଫେଲ ଅଛି। ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କୋଷ୍ଟାଲ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ଯେ ବିଜୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମ୍ୟାପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ କୋଷ୍ଟାଲ ମଧ୍ୟ ଗେରୁଆ ହେଇସାରିଲାଣି ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଗେରୁଆ ହେଇସାରିଲାଣି। ଏବଂ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଯୋଉଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି ନିଜେ, ମାତ୍ର 155 ଭୋଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି ଦି ରାଉଣ୍ଡ ପରେ। ଏପଟେ ବଡ କଥା ଏଇଟା ଆଜିର ସମୟରେ ଯେ ଯୋଉ ଲୋକର ଟିଆରପି ଉପରେ, ଯୋଉ ଲୋକର ପପୁଲାରିଟି ଉପରେ ଏଣ୍ଟାୟାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଠିଆ ହେଇଛି, ଉଦାଉଟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଇଜ୍ ଏ ବିଗ୍ ଜିରୋ। ତ ସେଇ ନବୀନ ବାବା ଜି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛନ୍ତି ଦି ରାଉଣ୍ଡ ପରେ, ମାତ୍ର 155 ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଓଡ଼ିଶାର ଜନମତ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ମୁହଁ ଫୁରେଇଛି। ଏବଂ ଯୋଉ ଲୋକ 5 ବର୍ଷ କାଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭରସା କରିଥିଲେ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଆମ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଗରିବ ଲୋକ, ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକ ଶୁଣିଛି ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକତା ମୁଁ ବି କରୁଥିଲି, ଆମର ନବୀନ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ କଥାଟା ଆଉ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇବେନି। ଆପଣ ଯୋଉ ଲୋକକୁ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡିରେ କଥା ହେବେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଠକି ଦଉଛି 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ସେମାନେ ଯିବା ଦରକାର। ସେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ମୁଦ୍ଦା ନୁହେଁ, ଜେନେରାଲ ଲୋକଟିଏ ଗ୍ରାସ ରୁଟରେ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଟିଏ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଛି ଯେ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଯାହା କିଛି ମିଳୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିଛି ଆମ ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ମନରେ ରିଆକ୍ସନ। ଟିକେ ଆପଣ ଅଟକଉଛି, ଇସିଆଇ ରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଇସିଆଇ ର ରେଜଲ୍ଟ କହୁଛି ଯେ 2 ରାଉଣ୍ଡ ପରେ ନବୀନ ବାବୁ କଣ୍ଟା ମାଞ୍ଜରୀ ଟ୍ରେଲିଂ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ନେତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଏବେଠାରୁ ଟିକେ ଟିକେ ବଧେଇ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ସିଏ 2 ରାଉଣ୍ଡ ଭୋଟ ପରେ ପାଖାପାଖି 621 ଭୋଟରେ ସିଏ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ମାତ୍ର 156 ଭୋଟରେ ଆଗେଇଥିଲେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି କିଏ 1500 ଭୋଟରେ ଆଗେଇଲାଣି, କିଏ 1300 ଭୋଟରେ ଆଗୁଛି, ଏବେ ତ 2 ରାଉଣ୍ଡ ପରେ ନବୀନ ବାବୁ ପଛେଇ ଗଲେଣି। ନବୀନ ବାବୁ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଏଣ୍ଟାୟାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଇଲେକ୍ସନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଇଲେକ୍ସନ ସବୁକିଛି ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥିଲା, ଆଜି ନବୀନ ବାବୁ ପଛରେ ପଡୁଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ଡିଫିଟ୍ ହଉଛି, ମୋରାଲ ଡିଫିଟ୍ ହଉଛି। ଆଉ ଇଏ 25 ବର୍ଷରେ ସେମାନେ କଲେ କଣ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ ବା ଯୋଉ ଉତ୍ତର, ଯୋଉ ନ୍ୟାରେଟିଭ, ଯୋଉ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି ସେଟା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଦର୍ଶଉଛି ଯେ 25 ବର୍ଷର ଯୋଉ ଲମ୍ବା ସରକାର ଥିଲା ଇଏ ଫେଲ ହେଇଛି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି, କାରଣ ଜନମତ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ ହାରିଯାନ୍ତି। ଏବଂ ଯୋଉ କଥାକୁ ନେଇକି ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲୁ, ଆମେ ବେସିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା ଉଠେଇଥିଲୁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥା ଉଠେଇଥିଲୁ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା ଉଠେଇଥିଲୁ। ମତେ ଲାଗୁଛି ତିନୋଟି ଯାକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳଠୁ ଆଗରେ ଥିଲୁ, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ହଉ, ନ୍ୟାରେଟିଭ ବିଲ୍ଡିଂ ହଉ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ହଉ, ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯୋଉ 25 ବର୍ଷର ବିକାଶର ନ୍ୟାରେଟିଭ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେଟା ମିଥ୍ୟା ତତ୍ଵ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା, ଗୋଟେ କେବଳ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବିଜ୍ଞାପନ ଧର୍ମୀ ବିକାଶର ନ୍ୟାରେଟିଭ ହେଇଥିଲା, ତାହା ଫେଲ ହେଇଛି। ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବଧେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ନଟ ବିକଜ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ସୋରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଦେଖିବେ ରନ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଦ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍, ମାନେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍କୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେ ଗୋଟେ ପଟେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମିଡିଆ ଟିମ୍, ଗୋଟେ ପଟେ କଂଗ୍ରେସର ମିଡିଆ ଟିମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମିଡିଆ ଟିମ୍, ଏଜ୍ ଏନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ, ଆଉ ଯୋଉ କେତେଜଣ ଆମେ ଅଛୁ ଯୋଉମାନେ ଆମେ ବିଲିଭ କରୁଛୁ କି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବେସ୍ଡ ପାଠକୁ ନେଇକି, ତଥ୍ୟକୁ ନେଇକି, ଆଉ ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇକି ପତ୍ରକାରିତା ହଉ ବା ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇକି ଡିସ୍କୋର୍ସ ତିଆରି ହଉ ସେଇ ଏକର୍ଡିଂଲି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିଜରେ, ସୋ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଇଏ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ କଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମିଡିଆ ଟିମ୍ ଏସ୍ପେସିଆଲି ୟୁ ଅଲସୋ, ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ବହୁତ ଜାଗା ଦେଖା ହେବେ, କଥା ହେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହେ ଯେ ଆପଣ ଅନେକ କଥାକୁ ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପିଓର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବାସିସ୍ ପାର୍ଟି କଣ କହୁଛି ଅଲଗା କଥା, ପାର୍ଟିର ନେରେଟିଭ ସେପଟ ସେପଟ ଥାଇପାରେ, କଣ ଥାଇପାରେ ପଲିଟିକ୍ସ ବେଳକୁ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ବେଳକୁ ତିଆରି ହବ, କିନ୍ତୁ ରନ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଦ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ବିଟ୍ ୱାଟର, ବିଟ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ବିଟ୍ BSKY, ବିଟ୍ SSC, ବିଟ୍ ଅଦର ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ବା ହ୍ୱାଟ ଏଭର ବା ରୋଡ୍ସ ବିଲ୍ଡିଂ ବା କୃଷକକୁ ନେଇକି ହଉ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ନେଇକି ହଉ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପାଣି ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି କି ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବେ କି ୱାଏ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିଜ୍ ଆର୍ ନଟ୍
taking interest in those things. But mu jete bele dekhi ki apan mane niyanti aur bhartiya janata party mu anek sa prashna kare, why not your senior leaders are not taking up this matter? But mate laguchi bahut samay lagu thai pare ki yara TRP nahi. Mu ei sabu khabar jete bele kare viewership bilkul na thai. किए कौन कहला नवीन बाबू कौन कहले पांडियान बाबू कौन कहले अपराजिता मैडम कौन कहले धर्मेंद्र बाबू कौन कहले एक नहीं कि टीआरपी उठे बट व्हेनेवर जब सीरियस पाठक को नहीं कैसे टीआरपी आसे नहीं बा वीओसी आसे नहीं बट मु लागे कि मते माने आपन पई एटा आश्वासन आमे तो सांबादिक लोक आमे जानिचू ये उतार चढ़ाव ये बुकमारी हब दरिद्र हब वीओसी आसु आसु चलचू बट आपन पई इससे बहुत बड़ा गोटे एश्योरेंस आश्वासन जे मुद्दा को नहीं कि राजनीति करा जाई पारे अब मुद्दा रो राजनीति मध्ये उडे लॉजिकल एंड को हैप्पी एंड को निया जाई पारे इट्स टू अर्ली स्टिल ट्रेंड जहा कोच अनिल बाबू नहीं नहीं आपन सहित म एकमत हो देखो भारतीय जनता पार्टी रो मीडिया टीम जो कथा उठाए जेहेतु हमर गोटे राष्ट्रीय दल हमर कैडर बेस पार्टी एटा पूरा राज्य रो निष्पत्ति थाए एवं जेंति आपन कहुले जर्नलिज्म कथा देखो दुई प्रकार न्यूज थाए गोटे ला वायरल न्यूज आ गोटे ला इंपैक्टफुल न्यूज इंपैक्टफुल न्यूज रो व्यूअरशिप होत न थाई पारे तार इंपैक्ट लॉन्ग टर्म पई थाए मु तो बेले बेले भाबे जे आपन मान कर जो एनालिसिस पडो हुए से आमो सपक्ष रहु आमो विपक्ष रहु आपन आमको समालोचना करंतु अनेक समय समालोचना इंपैक्ट थाए बिल्कुल जीवा दरकार देखो गण माध्यम रो काम होची राजनीति रो समालोचना करबा लोकन कथा उठैबा आमे ताको सबले ध्यान रे मध्ये सुनो निजो को कोर्स करेक्शन मध्ये करू किंतु जो कथा गुडी को विगत दिन रे ओडिसा रे आलोचना हैची एमसी नो जे प्रथम तर पई हैला उन्नीस मध्य किसी कथ आलोचना होता चिट फंड कथ चौदह मसीह उठुला बहुत कथ उठुला कि मत लगे चौबीस निर्वाचन में विभिन्न कारण मूलत तो गणमाध्यम गोटे बड़ भूमिका रही पॉलिटिकल पार्टी मान प्रसंग उठेबारे आम टे आम भूल रोचे सुधारिक आहरी साणित करशेषकर लोक मैंने इलेक्ट्रोल जो इलेक्शन भितर बहुत पार्टिसिपेशन पब्लिक रे देखुचु सोशल मीडिया ट्रेंड मध्य से कथा कहुचि तेणु कौटना कौटी गोटे मिलित लड़ाई थी केवल भारतीय जनता पार्टी विजय नुहे लड़ाई नैरेटिव केवल बीजेपी रुहे मीडिया रोल्स अच्छी किसी पब्लिक ओपिनियन मेकर मान भूमिका अच्छी तेणु कि बड़ खुशी ओडिशा आज दिन में डेवलपमेंट मुद्दा निर्वाचन है ओडिया अस्मिता को लेकिन निर्वाचन है यहाँ मोबाइल बड़ खुशी कारण बहुत समय कहे देखो ओडिया अस्मिता बोली किसी ना धरव ना आम भी बेले बेले भावुच सतरे धरव ना कि आम कारण ये पूरा एनर्जी लगोलु ओडिया अस्मिता कहीं ओडिशार नेतृत्व ओडिया लोक हाथ रहा कहीं महाप्रभु जगन्नाथ रत्न भंडार ताला हजिज सरकार छह वर्ष चुप रही सरकार समस्त टेकन फर ग्रांटेड नहीं जीव कोर्ट को नहीं जीव मीडिया को नहीं जीव विधानसभा को नहीं जीव मुख्यमंत्री विधानसभा आसबे ना जो तमाम प्रसंग थी अनेक प्रसंग अच्छी मुझे समय अभाव कही पार ना कि आम भी बेले बेले भावुँ ओडिया अस्मिता सतरे ये जाति आक्सेप्ट कर तो कि निर्वाचन ट्रेंड देखी मुझे खुशी सतरे जहाँ ओडिया जाति स्वाभिमानी जाति जो मैंने भावुले ओडिया स्वाभिमान को टेकन फर ग्रांटेड नहीं जी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दुई थिला एबे एक पळेछि ओनली कोरापुट आउ जदि पूरा तार मैप को देखियो अगेन पूरा एंटायर मैप याद तो असेंबली रो टिके टिके रहूची मिक्स रहूची किंतु जदि लोकसभा रो ओडिसा रो जो माने वोटिंग रिपोर्ट जों द काउंटिंग रो जदि मैप को देखिबे इट्स टोटली लुक लाइक नो सरप्राइज पूरा गेरुआ हला वाला देखा जाउची ये भारतीय जनता पार्टी नेता कर्मी आ ओडिसा रो जो माने भल पाउचो समस्त को ये खुशी कला बडा आइथबो मु आ गुटे छोटिया पॉइंट को आछ अपन आ जाउ पड़े जाई परिबे जे बारथबो अपन पूरा एकदम पैक थिबे चैनल बाला अपन पूरा घेरिक रखिथिबे दैट पॉइंट इज की अपन इज अ पत्रकार ई मु देखो ये अपन जे देखिबे मैप को देखन तो अनिल बाबू एंटायर मैप पूरा एंटायर 18-21 रु पूरा तळु पूरा पर्यंत नवरंगपुर नहीं कि पूरा बुली एंटायर बॉर्डर केवल बीजेडी दुईटी जगह अच्छी कांग्रेस गोटे जगह अच्छी इट माइट चेंज ऑल्सो कारण आउरी गुड़ाए राउंड अच्छी बट द इनिशियल ट्रेंड लुक्स लाइक दिस अच्छा मु आसी आउट प्रसंग रे आलोचना करे इट्स वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न मु बहुत समय भाबे ये पुणी उल्टी पारे जे पत्रकार मानंकु मीडिया को हटात गोटे आरंभ हला जे यही माने बहुत हुए शत्रु यही माने बोधे आमर भंडा फोड़ दउछंती यही माने बहुत हुए आम मानंकु असुविधा रे पकई दउछंती सो सबुठारु बड़ चिंतार विषय थला
जे कोविड नारे नवीन बाबू तो प्राय ओडिसार सांबादिक को कथा होतनि से आमदानी नेता आमदानी की बीजेडी वाला तो आनी की तैयारी करथले आमदानी करी सो ही बिलीव्स इन से जो आमदानी रे जो नेशनल किछ किछ आसंती तांके से कथा होंती ओडिसार जो माने पत्रकार से तो बेसी कथा होत रे एनीवे ए तांकर संस्कार किंतु ता परे जे भली भाव रे पत्रकार मानन को सेक्रेटरीट को छडा जी बनाई पत्रकार मानन को नुवा ओ फेस्टिवल भीतर को सरकारी कार्यक्रम को छडा जी बनाई एपर के एमिति हला की द्रौपदी मुर्मू श्रीमती मुर्मू जे की राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति कार्यक्रम को छड़ा जाऊ नहीं कहा जा थर्ड फ्लोर ऑर्डर आई भाई एक व्यवस्था जो आड़ की जाऊला ये व्यवस्था ये बरकरार मत लगुच रही भारतीय जनता पार्टी आसले कि लगे जे सरकार को आसले पुणी से कथ जो सांबादिकम सत्ता को प्रश्न करवा तेनाली किसी दिन पर किसी लोक कह ये गोटे बोधे ये बीजेडी रोधे दलाल एवं जमी कौन बोधे बीजेपी कारण आप सत कथ कह कि लोक शासन में था कहते जे ये बोधे विरोधी दल कम कर ट्रेंड पुनच्छेद पड़वा दरकार ओडिशा रे पत्रकार बहु गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही ओडिशा रे विकास को लेकिन ओडिशा रे बहु भूल भटका जिनको आपर कि महानदी इश्यू आप देखिए ये इश्यू आगे गोटे पत्रकार बाहर कला बहुत इश्यू आम बाहर करेणु मत लगुच यार गोटे पुनच्छेद पड़वा दरकार जे पत्रकार मान गोटे दूरे रखा गया भल लोक नुह ये मत हैरान करदे ये मत देखेदे ये मत असल जिन पर्दा बाम कला ब्लाक स्पॉट को सामना को नहीं आसिक देखो जो कथी मानते पूरा डेमोक्रेटिक रो बेसिक व्यवस्था जो गोटे राज्य रो शासन मुख्य जो राज्य शासन कर राज्य पत्रकार मान को दूरे रही जी विरुद्ध में खबर छपेदे हरियाण करदे ओडिशा विगत दिन आप देखिए दुई दुटी टेलीविजन संस्था पर रेड होती गोटे खबरकगज संस्था पर रेड होती कारण कौन से सरकार को समालोचना कले सरकार मरम कथा कहीदे जदि एभली मानसिकता सरकार चले शासन मुख्य चलते लंबा समय चलो ना समस्त गोटे मेसेज आम समस्त पॉलिटिकल लीडर्स मान मेसेज एवं गणतंत्र के समालोचना को शुणा गोटे शासक दल धर्म हवा दरकार से मानसिकता रहा दरकार समालोचना को सकारात्मक भाव ग्रहण करे न करोशार जो परंपरा चली विधानसभा सांबादिक मान पुरी दि जाऊना सचिवालय कोविड केवठ गला सरला अन्य राज्य मान नॉर्मल हो सारा किशा एकमात्र राज्य जो देखु सांबादिक मान को सचिवालय भितर प्रवेश कर दि जाऊना नवीन निवास नवीन बाबू सागर मन खोली कथार कौ सांबादिक मान भाग्य आज पर्यटन 15 वर्ष 20 वर्ष है जुटी ना तेनालीरु सांबादिक मान को जो मैंने खबर देखते सरकार भूल दोष त्रुटि देखते दूरे रखी दि जाए आठ बड़ी दुर्भाग्यजनक कथा किसी नई पारे एवं भारतीय जनता पार्टी सब बेले ए प्रकार परंपरा को विरोध कर विरोधी दल थी आम विरोधी दल नेता प्रसंग उठे प्रसंगे आम स्वर को साणित करवा सरकार आसिले बिल्कुल ए प्रकार व्यवस्था रही जो अगणतांत्रिक जिते अगणतांत्रिक व्यवस्था तैयारी कर नवीन बाबू 24 वर्ष 25 वर्ष शासन को सुरक्षित रखापी से सब कुछ भांगी दिजारे ओडिया लोक सरकार हम ओडिया लोक मान प्राधान्य मिलो यहाँ भारतीय जनता पार्टी ग्यारंटी यहाँ मोदी ग्यारंटी थैंक यू बहुत बहुत खाली वाइंड अप करबा पूर्वर खाली गोटेटी कथा कहि दोचा मैं फाइनल एबे एपर्यंत ईसीआई रो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया रो जहां रिजल्ट जहां देखौ छ ओडिसा रे असेंबली रे अनिल बाबू ये होची 71 भारतीय जनता पार्टी बिजू जनता दल होची 47 इंडियन नेशनल कांग्रेस 13 इट्स अ गुड साइन दैट की ये 9 मार्क ऊपर को जाउ छ डबल फिगर आइड यस आगे कोन खाली गोटे इंपोर्टां क्या कहना चाहूंगी जो मत लगुच बहुत गुरुत्वपूर्ण देखो विजु जनता दल या गोटे रिजनाल आस्पिरेसन गोटे आंचलिक बादला गोटे ओडिया प्राइड रहा कि दल आज निर्वाचन हारूची से सामान इश्यू जो प्रसंग से दल या भारतीय जनता 2024 निर्वाचन बीजेडी हारूची से ओडिया अस्मिता प्रसंगे रिजनाल आस्पिरेसन को फुलफिल न करसंगे ओडिया लोक मैंने जो आंचलिक दल या लोकों पर से ओडिया लोकों स्वार्थ रे काम करूना बोली से दल आज निर्वाचन हारूँ तेणु तो पॉलिटिक्स रे जो इंटरेस्टिंग क्या देखा को मिले से विजु जनता दल जो प्रसंग में या 2000 मसीह 1996-97 आज से प्रसंग से निर्वाचन हारूँ मत लगे आज दिन गोटे बड़ मेसेज बहुत बढ़िया कथा कहते एकदम यू हैव पिक्ड अप द फाइनल पॉइंट एकदम या भीतर जो मेन धाड़ी ताकु बा सुता ताकु धर दिछु जो कथा हम कहउछु कि आपण जदि ईमानदारी न रहइबो आपणकर पर्पस आपणकर जहा कहउछंती जे जोथि पई आपण तयारी छन जदि ईमानदारी न रहइबो आपण बेसी दिन टिस्टि पारिबे ना एकदम पॉइंट अप करबा पूर्वरु
अनिल बाबू मु दुटी कथा कहिबि गते कथा हला जे भारतीय जनता पार्टी को जो ट्रेंड मिलुची ये दर्शाउची कि भारतीय जनता पार्टी जा भावितला जहां से माने कहिचंती लोक ताकु ग्रहण करचंती वन अनदर पार्टी इज आल्सो दैट कि लोक ताकु नेगेटिव वोटिंग जोर करचंती दिस फैक्ट दैट आपन भीतर या पूर्वपूर्व अध्यय सही मुद्दा थिला उड़ेस हला नै एति पई कि लोक भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद लेबे धरियो आरंभ करचं दैट्स व्हाट श्योर तत नवीन बाबू एकदम पुण्य आत्मा नथिले कि सब किछ ठीक ठाक ओडिसा नथिला मोरललेस ओडिसा र परिस्थिति से आथला स्टिल सेतमे विश्वास करथले एबे आपन को जोरदार विश्वास करचं एकदम भरपूर विश्वास करचं आउ सेकंड कथाटा जो कथा मु कहू छी कि निर्वाचन रिजल्ट बाहर 18 राउंड परे जदि नरेंद्र मोदी कर जहा थिला जे नरे सरकार गठन करिवो आ आर लोक जनक जहा कहिथिले आपण को सतर चाहिबे आपण से चाहंतुनी संन्यास न आबे राजनीति जने राजनेता रहिवा दरकार विरोध रे ठीके पंडित कहिथिले जे मु संन्यास नै जीवी आपण ताको दाबी न करंदु लोक रहिले भल राजनीति हबो केमती देखो तो माने गोटे ओडिया कथा जी मारकुंडी कहू छी मु बाहेबिनि भाई से तो आपण बीके पांडियन को राजनीति आरंभ कर छथि से तो हटात ओकुर खसिले आउ राजनीति रो पूरा सब संभालिले स्टार पछियार गई गले बीके पांडियन जदि तृणमूल स्तर राजनीति करथांदे से केबे राजनीति रु संन्यास नबा कथा कहि नथांदे राजनीति होछि सेवा जी धर्म आपण समाज सेवा करै आछथि आपण समाज सेवा रु संन्यास केबि पड़ेबे आपण कोन क्रिकेट खेलुछथि आपण कोन एक्टिंग करुछथि आपण कोन बिजनेस करुछथि आपण बिजनेस छाड़ देबे राजनीति ता नुहे जी पॉलिटिक्स बा गणतंत्र रो मूल भावनाटा बुझी नाही राजनीति रो मूल धर्मटा एक नंबर कारणटा बुझी नाही सी कहबो जे मु सन्यास नेबे ती सन्यास नबा गोटे अहंकार रो कथा ता प्रसंग ता नै जे लोक राजनीति आरंभ करी नाही थरे निर्वाचन नॉमिनेशन फाइल भी करी नाहंती निर्वाचन लड़ी नाहंती सी सन्यास नबा कथा कहबे तो लोक हसिबे प्रसंग ता नो जे जदि राजनीति को जीवन रो व्रत भाबिछि सेवा भाबिछि सी केबे कहबे नै जे राजनीति हारिया को पड़िबो जितबा को पड़िबो हारिले मध्ये राजनीति जे रहबो बहुत लोक हारी हारी मध्ये राजनीति जीवन क्यारियर सरी जाइए कि लोक दूरे ना तो मूल कथा जी ये भद्र व्यक्ति जी कहते हैं प्रतिक्रिया देखा भावना कि 10 तारीख में प्रधानमंत्री मोदी नरेन्द्र मोदी आसिक ओडिया लोक कहते हैं मुख्यमंत्री मत लगे ठीक हाँ जाऊ मत डर लगला लोक रियाक्शन बीके पांड्यान कौन पड़ो आजु जनता दल जो मैंने निर्वाचन हारूंट तांकर रिएक्शन बीके पांडेन को ऊपर कोन पड़िबो मते लागो छी एबे असल राजनीति बीजेडी भितरे आज तो आरंभ होला हमें किंतु नख खसी उने हमें कहबे कि सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामय ये समस्त भारतीय जनता पार्टी रे विजय को नहीं कि बिजू जनता दल भितरे अशांति न रहो बिजू जनता दल भितरे समस्त टी सुस्थ रहंतु अनेक अनेक धन्यवाद अनिल विश्वाल बाबू हम सहित थिले आपन धन्यवाद पुने पई आपण पुणी आमे दिन भितर पुणी केते समय पाइले आमे आपण पुणी थरे बसबो बा पुणी आमे सहित आपण सहित संभाषण चलिबो सत्य पाठ रे आमर ये प्रयास होउची कि जे काउंटिंग को नै कि रिजल्ट को नै कि किछ ना किछ आमे विश्लेषण करिवो आपण पाखरे तार कोन हेथई पारे तार ट्रेंड कोन हेथई पारे तार मेसेज कोन दउची वोटर बा ए सब विषय रे आमे टिक आलोचना करिवो या सेति सहित कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज मध्य आमे या बाबत आलोचना करिवो ये थला सत्य पाठ रे प्रारंभिक ट्रेंड को नहीं कि आमर ये खबर बा विशेष अध्याय थला नमस्कार।